प्रतिशत लोग रहते हैं और उस समय पर एक ये हम लोगों के सामने समस्या थी और हम कहते थे कि 65% यहाँ झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं और ये लोग ऐसा ही ले लेते हैं तो उनके लिए हमने क्यों काम करना। तो पंडित जी ने हम लोगों को समझाते समय करना चाहिए और बाद में हमने झोपड़पट्टी जनता परिषद की स्थापना की। मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सामान्यतः अभी आपको मालूम हो गया है कि मैं मुंबई शहर में से एक क्षेत्र में हर हाथ को काम और हर खेत को पानी।